इमेजिन करो यहाँ पे आज लैम्बो आई, हम लैम्बो में जाएंगे। मुझे पहली दफा पता चले कि लेमो होती है क्या। देखो इसमें बत्तियां जलती है। Hi, assalamu alaikum guys, this is Ahad Amin. Welcome back to another vlog. As you can see, I'm wearing Pakistani flag t-shirt. और आज बहुत ही बड़ा दिन है और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज एक इवेंट होने जा रहा है और जहाँ पे सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा देर आर डिफरेंट आर्टिस्ट आर कमिंग फ्राम इवन फ्राम पाकिस्तान, इवन सम आर लिविंग इन कैलिफोर्निया अमेरिका। और वहाँ पे सोफिया, एज यू नो शी इज़ माई फ्रेंड, सोफिया भी हैं और वकार जका इवेंट पे आ रहे हैं और कॉमेडीज भी वहाँ पे परफॉर्म करेंगी और वहाँ पे पूरा सा मेला होगा, पूरा एक सिचुएशन होगी। चलें आप चलते हैं और मेरा तकरीबन 2 घंटे का यहाँ से रास्ता है और यहाँ से हम चलेंगे। और अब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और 2 घंटे के बाद वहाँ पहुँचेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह 14 अगस्त मनाते हैं यहाँ पे अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। लेट्स गो। हाँ जी, फाइनली वी हैव रीच एट हिल्टन। आप देख सकते हैं पीछे मेरे हिल्टन है जी, और यहाँ पे सोफिया ऑलरेडी वेट कर रही है, मैं तो काफ़ी लेट हो चुका हूँ। सो दिस इज़ हिल्टन होटल जहाँ पे हम स्टे भी करेंगे। ये है जी होटल में हम और 3rd फ्लोर पे हम जाएंगे। क्या कमाल का होटल है। 3 मैं और मेरी वाइफ जो है हम पहुंच चुके हैं स्टॉकटन अभी और ये सारा व्यू है होटल का, अमेजिंग। ये है जी सोफिया अहमद, शी इज बहुत बुरा लग रहा मुझे इस वक्त, मैं तैयारी कर रही हूं और इसे कटिंग कर रही हूं। और अब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। सारा कमरा वो 7 वाला कमरा हमारा है जी, दरमियान में से दरवाजा भी है। अच्छा, वो अंदर से हम जा भी सकते हैं। चलो चलो, अभी हो गया, उनका दरवाजा बंद हो गया, हमारा खुल गया। किसी को पता नहीं चले। Oh, hell no. और कैमरे के पीछे मेरी बीवी है। पता क्यों नहीं चलने दे। अब मैं इधर से आती हूँ। हाँ चलिए, वो भी सोफिया उधर है और ये हमारा होटल है जी। और थैंक्स टू सोफिया कि उन्होंने ये हमारे लिए अरेंज भी किया। और अभी हम इवेंट पे थोड़ी देर में जाएंगे, अभी इधर से निकलने वाली है। अभी देखो She's here. Sorry, मेरे कपड़े वपड़े कैसे हैं? कहाँ जाने आपके? तो अब हम नेबर भी हैं। हाँ, अब हम नेबर भी हैं। मैं तो ऑलरेडी पाकिस्तानी बन गया हूँ पूरा। Good job. ठीक है? मैंने सिर्फ थोड़ा सा अपना job कटा ठीक है। Hi Sophia. बस आप लोग अपने करें, rest करने 7:45 limousine आएगी, हम सब लेके जाएंगे। Oh my God. ये है रूम हमारा हिल्टन में और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, देखते हैं वाकई लैम्बोजिन आने वाली है। आई एम नॉट श्योर। सोफिया अहमद जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है शो के लिए और ये शो को होस्ट करनी है, सबसे बड़ी बात है। हाय, देखिए चेक करें आप हमारा कॉम्बिनेशन, चेक करें। सुनो, मैंने कोशिश की थी कि ये कपड़े पहनूं, बहुत सादा सा था, मैंने कहा लाची 5 सुपारी ही बनना है तो फिर ये ही पहन लेती हूँ। नहीं वैसे अच्छा लगा, देखो ना ग्रीन, पूरे पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी लेकिन हम दिल से तो पाकिस्तानी है। लेकिन हमें इतनी खुशी है कि आज हम दोनों इकट्ठे हो गए यहाँ पे और साथ साथ रूम है हमारे। हाँ, ये दोनों भी हैं यहाँ पे और आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिलने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करने वाले हैं। हमारा हमारा असल काम होगा जब शो खत्म होगा ना, उसके बाद शुरू होगा असल काम, उसके बाद हम देखेंगे। मस्ती होने वाली और आपको बड़ा मजा आएगा। और मेक श्योर सब्सक्राइब
और कमेंट्स भी करने हैं और शेयर भी करना है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल जो है वो भी आ रहे हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ साहब जो कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, और रिसेंटली हिलरी क्लिंटन के साथ उनका डिनर भी था जिसमें हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और चूंकि ये कैलिफोर्निया की एक कम्युनिटी है और यकीनन हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी कैलिफोर्निया में रहने वाले हैं वो सब हमें ज्वाइन करें। हम जा रहे हैं कि शो करने के लिए, हमें ज्वाइन करें जहाँ जहाँ है, जो लोग नजदीक है वो तो आ सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे फूड के स्टॉल हैं, ज्वेलरी के स्टॉल हैं, और खाने के स्टॉल हैं, और क्लोथिंग भी है। सबसे बड़ी बात सोफिया अहमद है और आहद भी हमारे साथ। Don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. अच्छा, आप सारे हैरान होते होंगे कि मैंने शर्ट क्यों चेंज कर ली, क्योंकि जी सोफिया ने कहा कि मैंने वाइट पहना हूं, मैं तो आप ग्रीन पहनो। मैंने रिक्वेस्ट किया पूरा पाकिस्तान जाना है, यार ये शर्ट है, मैंने कहा प्लीज ये पहनो, क्योंकि आज है भी 14th अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे है, और वहां पर बहुत सारे हमारे जितने भी दोस्त और हमारे अजीज I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. So, Bakal bhai, mere saath hai aur ye kuch normal cheez nahi hai. I'm really big fan of you. There's no doubt. Aur chahe hum Pakistan se bahir rehte hain, lekin main aapko warn kyun karta hoon. आपकी जितनी भी हैं चीज़ें सारी बहुत कम। थैंक यू सो मच। इमेजिन करो यहाँ पे आज भाई हम लैम्बो में जाएंगे। और इवेंट स्टार्ट 7 PM होना था, लेकिन हम थोड़ा डिले हो चुके हैं। सेलिब्रिटीज मैं तो इतनी सेलिब्रिटी माशाल्लाह से अभी मैं सोफिया को पूछा, सोफिया आप कैसे महसूस कर रही हैं कि आप लैम्बो में बैठी हैं आज? फल्ला पूछो मत, इतना मजा आ रहा है मुझे। पहली दफे पता चले कि लैम्बो होती है क्या, क्योंकि इसमें बत्तियां जलती हैं, इसमें पानी की बोतलें भी मिलती हैं, और ठंड के ठंडी बोतलें पानी की, वो देखो वहाँ पड़ी है।
अभी अभी मुझे पूरी पूरी फीलिंग्स आ रही है, ऐसा लगता है आपके अंदर पीड़ा आ गई। और इसमें तो आग बुझाने के लिए बहुत सारे सामान भी पड़ा है। ओह माय गॉड, सीरियसली ये देखो तो सही। लाओ मैं दिखाऊं। आग बुझाने वाले आलात लेमो में हमेशा मिलते हैं। ये देखो कौन लोग हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं और सोफी हमारे साथ, हम ब्लूटूथ स्टेज के फ्रंट साइड पे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी सीटेड। डू यू वांट टू से समथिंग रियल क्विक? Assalamu alaikum and thank you so much for being here. It's such an honor to be here with the part of this show. And especially I really want to thank all those people who are here, especially all of you who come after your work or wherever you guys were. और एक बात जो मैं खास तौर पे भी कहना चाहूँगी, आपने कहा रियल क्विक, बट रियल क्विक हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। उसकी वजह यह है कि आप लोग जितना भी काम यहाँ पर कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए और साथ साथ में हमें पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। एज यू कैन सी हम बिल्कुल स्टेज के बिल्कुल पास खड़े हैं और पीछे हमारी आप आवाम चेक करें, पूरी ऑडियंस यहाँ पे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। अभी म्यूजिक स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे होगा भंगड़ा। ओहो, क्योंकि हमारे पास ढोल भी है, हमारे पास कुछ ढोल भी है। तो जो पूरा इवेंट है वो 14th अगस्त की सेलिब्रेशन है, आज़ादी की कदर उन लोगों को है जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। हम तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें बैठे बैठाए प्लेट में आज़ादी मिल गई, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो जिस वक्त 1947 का सारा हुआ था वाकया और उस वक्त जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, उन पे क्या गुजरी, कितने लोगों की कुर्बानियाँ दी, फैमिलियाँ कितनी जो हैं वो उस सारे मामले में किस तरह से बिखर गई और कितने बच्चों की, कितनी बहनों की, कितने बापों की, कितने भाइयों की जाने गई। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम इस वक्त तो हम अमेरिका में, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में हम आज़ादी से सांस लेते हैं। आज़ादी की कदर उनको है जो इस वक्त फ़िलिस्तीन में है, आज़ादी की कदर उनको है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, जो मकबूजा कश्मीर में है। उनसे पूछिए, इन्जॉय कीजिए अपनी आज़ादी को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। क्या खूबसूरत वर्ड है। आज जो है ना सारा जो मेरा ब्लॉग है ना, सिर्फ सोफिया और सोफिया और सिर्फ सोफिया फ्रीलांसर्स, और उसके थ्रू जो है पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तरक्की लाने की कोशिश करेगी। तो जितने पाकिस्तानी, जितने बाकी लोग यहाँ बैठे हैं, जो ज्वाइन करना चाहे वो टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान सर्च करेगा तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हिम्मत वाले लोग कितने बैठे हैं जिनसे हम डेयर कराए अभी यहाँ पर। आ गई ना बात देर पे, फिर बकार हो और देर की बात ना हो। ऑर्गेनाइज आपने देखा है, बड़ा ही शानदार था, बेहतरीन था। और जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं मेरे सामने हैं, मेरे साथ हैं, ये नवीन भाई हैं और शेख खान, ये सिटी काउंसिल मेंबर भी हैं यहाँ के स्टॉपिंग के। और बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ा मज़ा आया। कुछ आप कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस के लिए? पाकिस्तान जिंदाबाद और सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। इतनी दूर से लोग दो दो घंटे तीन तीन घंटे ड्राइव करते हैं। मैं भी स्पेशली फ्री मोड से आया हूँ ये इवेंट अटेंड करने के लिए, और मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये इनकी हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल है। जस्ट एंजॉय द आर्मी।
सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम होता है, पाकिस्तान से दूर है लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इस वजह से ये प्रोग्राम कराते हैं और लोगों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत जिंदा रखने के लिए। और सब ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान से दूर है तो वो जो आपका अंदर का पैशन होता है ना, अंदर की जो मतलब हुब्बे वतन जो कहते हैं ना, पेट्रियाटिज्म, वो बहुत ज़्यादा है। वो क्योंकि जब पाकिस्तान में होते हैं वहाँ पर आपको इतना आइडिया नहीं होता कि यार एक वो फीलिंग्स नहीं होती। जब फीलिंग्स आपको तब आती हैं जब आप मुल्क से बाहर होते हैं, जब आप मुल्क से बाहर रहते हैं। मैं भी जब यहाँ पे आया था तो मुझे तब पता चला कि यार वाकई पाकिस्तान की जो मोहब्बत है ना वो मेरे अंदर वाकई बड़ी पाई जाती है। और आज मुझे भी महसूस हो रहा है यहाँ पे कम्युनिटी जितनी मैंने देखी है माशाल्लाह सिर्फ आपकी वजह से और आप लोगों की वजह से जो आपने ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच। ये है जी आज की इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन। होप सो कि आपको ये पसंद आई होगी। और मैं आप देख सकते हैं पीछे और फुल हॉल यहाँ पे चल रहा है। प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड कमेंट और शेयर।